फर्स्ट टाइम बोर्ड करने के लिए, क्या बात है। 5 घंटे और हैं डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। आज तो वाइट लगने वाली, लेकिन बहुत मजा भी आएगा। आज टेम्परेचर विल बी अराउंड -4। गुड बाय ग्रैंड विटारा एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कार आ गई है, यह है मर्सिडीज ई क्लास, एयरपोर्ट ड्रॉप के लिए। चलो टाइम फॉर एन एडवेंचर। लेगरूम प्रो मैक्स। तो ये सीन हुआ, बेसिकली जो मर्सिडीज ई क्लास थी ना, वो एक वीआईपी लेन में लेकर आ गया ये एमिरेट्स का ड्राइवर, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई नहीं था, खाली था। तो जब गाड़ी से निकला ना, कोई फोटोग्राफर मुझे बोले सर फोटो, मैं ऐसे कंफ्यूज हूँ, मेरा फोटो क्यों ले रहे हैं ये लोग। सर आज फोटो प्लीज। और अभी निकल रही ई क्लास, वो देख रहे हो आप, और बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही घटिया है। ये देखो कितनी लाइन है, ये एक फैमिली के लगेज है, देखो 60 बैग। सवा 5 बजे ये लोग नाश्ता दे रहे हैं। आदमी सोए या खाए, मुझे लग रहा है सब सो ही रहे हैं। चलो दुबई तो पहुंच गए, बहुत नींद आ रही है, फ्लाइट डिले होगी ऑलरेडी दूसरी वाली आधे घंटे से। एंड मुझे लग रहा है अभी थोड़ा जाके फ्रेश होना बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी सो जाऊंगा खड़े खड़े। A380 पागलपन है यार, पागलपन क्या साइज है। दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है ना, कि अभी मुझे जाके एक ट्रेन लेनी है ताकि मैं अपने गेट के पास पहुंच पाऊँ। बोला था ना मैंने अभी लिफ्ट लेनी है, मैं ऑलरेडी 5 किलोमीटर चल चुका हूँ। वो बोल रहे हैं ट्रेन टू गेट्स। एक टाइम पे याद है मैं अकेला था ट्रेन में, और आज देखो कितनी गर्दी है। तो भैया आज हम फर्स्ट टाइम बोर्ड करने के लिए, क्या बात है। पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि इंटरनेशनल फ्लाइट में मैं फर्स्ट हूँ बोर्ड करने के लिए। भाग गया मैं लिफ्ट देखते ही, वो देखो एयरबस A380-800 लिखा हुआ है। 3-3 एरोब्रिजेस लगे, 3-3। मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में आई एम द फर्स्ट टू बोर्ड। जस्ट इमेजिन, फ्लाइट डिलेट थी ना, इसलिए मैं पहले आके बैठ गया वहाँ पे। क्या लगता है ये एयरक्राफ्ट यार, अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल। तो वाकई में हम फर्स्ट टाइम बोर्ड करने के लिए, अच्छी बात है। जूस वूस दे दिए ऑलरेडी इन लोगों ने, अभी तो खाली है क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट हुई है। पाँच घंटे और हैं डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। आई विश फ्लाइट थोड़ी लॉन्गर हो सके ताकि मैं और सो सकूं। मतलब अभी सोना तो स्टार्ट किया नहीं, बट स्टिल। ये है ब्रेकफास्ट, इसमें बस कुछ अलग ही है इस बार। इतनी नींद आ रही है ना, खाना ही नहीं खाया जा रहा, बस मन ही नहीं है। तो बेसिकली एमिरेट्स में ना, ये लोग यहाँ पे एक बार टाइप रखते हैं, खाना वाना रखा रहता है, ये ड्रिंक्स भी चलती है। आई थिंक ड्रिंक्स तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए एयरक्राफ्ट में, बिकॉज लोग पी के फिर मिसबिहेव भी करते हैं ना। हुआ था एयर इंडिया के साथ। सो बेसिकली ऑडी कॉन्फ्रेंस सेंटर इधर एयरपोर्ट पे ही है। बस राइड डन, होटल फाइनली पहुंच गए 2 घंटे की ड्राइव के बाद। तो बेसिकली वो आगे गेट दिख रहा है ना, वो होटल की एंट्री है, और यहीं पे पार्किंग की हुई है लोगों ने गाड़ियां, क्योंकि ऑब्वियसली ठंड बहुत है। और ये देखो सामने होटल है, काफी यूनिक और अलग टाइप का लग रहा है, बट मैं बहुत थक गया हूँ, सोया नहीं हूँ मैं पिछले 24 नहीं ऑलमोस्ट 30 घंटे में, मैं 3-4 घंटे ही सोया हूँ, तो काफी ज्यादा नींद आ रही है अभी। बट अभी जाएंगे फ्रेशन अप होंगे। वो खड़ी G63, यहाँ पे तो इतनी सारी जी वैगन दिखती ना, अलग ही, मतलब यहाँ पे तो बनती, ऑस्ट्रिया में बनती पता है ना जी वैगन। ये रहा होटल, सामने पूरी जगह स्नो है, क्योंकि अभी स्नोइंग जो हो रही है, एंड वहाँ पे माउंटेन से हालत खराब हो गई, मैंने हाथ डाल दी स्नो में, एकदम मतलब फट रही है। एंड ये सब फटने के बीच में आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है। कोई पागल है जो स्विमिंग के लिए जाएगा ऐसे टेम्परेचर में। चलो फाइनली रूम पहुंच गए, और रूम देख के आपका दिमाग एकदम फिल जाएगा, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पे की डालते सब लाइट्स ऑन होने वाली है, एंड हो गई। यहाँ पे अपना कोट वोट हैंग कर सकते हो, दरवाजा बंद करते हैं। इतना बड़ा रूम मैंने कभी नहीं देखा एक बंदे के लिए, बहुत ही मैसिव है। तो ये ऑब्वियसली वॉशरूम है, बाथटब है, बेडिंग एरिया है, यहाँ पे कुछ तो हाँ पॉट वॉट वगैरह है, ठीक है, दैट्स फाइन, कूल, रेगुलर बिट, राइट। बट यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता कि दिल का शेप इसके अंदर से पीप करो, ये एक रूम क्यों दिया गया है। एक छोटा सा रूम दिया है विद लॉट ऑफ कवर्ड एंड स्टोरेज एंड ऑल, एंड यहाँ पे बैठने की जगह बैग, ओके। यहाँ से आप देख सकते हो जो एक्चुअल रूम है, सो एक्चुअल रूम इधर है अंदर। हॉल इतना बड़ा है, एब्सोल्युटली क्रेजी, मतलब इतनी बड़ी रूम में तो मैं वॉक कर लूं अपने पूरे दिन रात चल के। ह्यूज डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, ये तो स्टूडियो अपार्टमेंट दे दिया हमें। और इससे भी बेटर चीज होती है कि जब आप बालकनी में जाओगे तो एक लाजवाब व्यू दिखता है। ओ माय गुडनेस, दिस इज द व्यू फ्रॉम द बालकनी, माइंड ब्लोइंग। पहले हम यहाँ पे थे, ठंड के मारे हालत खराब होगी, चलो फ्रेशन अप होते हैं। अब टॉयलेट में एक अलग ही स्वैग है, क्यों पता है, यहाँ पे ना ऑडियो सिस्टम है, हाँ इधर म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, तो आप अलग अलग म्यूजिक बजा सकते हो। सुनो, स्पीकर ऊपर दिए गए, और मैं यहाँ पे चैनल भी चेंज कर सकता हूँ, और क्या चीज जिंदगी में बताओ। सही है यार, इनबिल्ट ऑडियो सिस्टम का जमाना चल रहा है यहाँ पे अभी भी।
और थोड़ा बेटर लगना चाहते हो तो यहाँ पे लाइट ऑन कर लो, रिंग लाइट। ये तो टिकटॉक वाला जमाना चल रहा है इस होटल में। अभी मैं फ्रेशन अप हुआ ही नहीं, लेकिन अभी मुझे आना पड़ा है, यहाँ पे मीटिंग है बार में ऑडी की, लेट्स गो। और अब होगी ब्रीफिंग। सो बेसिकली रैबिट है, रैबिट कितना क्यूट है, रैबिट को कैसे खा सकते हैं? दुबई सेरेलैक खोदा पहाड़ निकली चूहिया। एंड इट इज स्नोइंग राइट नाउ। गुड मॉर्निंग गाइज, 7:30 बज रहे हैं, चलो इसको खोलते हैं। यस, आप सनब्लाइंड यहाँ से खोल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक सनशेड्स है, क्या बात है, ये तो माइबाक ऑफ रूम्स हो गया है। बिल्कुल भी धूप नहीं आई है, तो आज तो ठंड में वाट लगने वाली है। और मैं नहा वहा सब रेडी हो चुका हूँ, गाँव में थोड़ा सुखा रहा हूँ अपने आपको। एनी वेज, बाहर लोग स्नो साफ करे वो देखे, एटीवी मशीन। ओ बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, हालत खराब। निकलो 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 निकलो। ब्रेकफास्ट के लिए होटल में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्टोपस। अच्छा सा बनाया ना, ये शोपीस है, आई डोंट थिंक ये फंक्शनल है, नहीं कुछ खुलता नहीं, ऐसी मजे के लिए बनाया है। इनके यहाँ इडली नहीं होती ना, तो ब्रेड ही ब्रेड होती है, हजार टाइप की ब्रेड। ब्रेड खा के पक नहीं जाते क्या ये लोग? मैं तो पक गया ऑलरेडी, खाए भी नहीं मैंने अभी तक। ब्रेकफास्ट विद अ व्यू, ब्रेकफास्ट डन। अब मैं जाके टेस्ट करने वाला हूँ कितनी सर्दी हो रही है, तो अगर जैकेट वैकेट चेंज करने की, अरे डर गया मैं देख के, जैकेट वैकेट चेंज करने की जरूरत है तो वो कर सकते हैं। वो देखो, ओहो ठंड तो है, और यहाँ पे डॉग वॉक भी चल रही है, तो हम कुत्ते से डरते हैं तो हम चले जाते हैं, भागो। लुक्स वेरी प्रीटी बट वेरी कोल्ड। अब देखो भैया, लोग फिर भी स्विमिंग कर रहे हैं, यू वोंट बिलीव, इतनी ठंडी में ऑब्वियसली वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। आउट ऑफ द बस एंड नाउ कार विल टेक अस। वो देखो गाड़ी आ रही आगे से ऑडी की, तभी आ रही है फोक्सवैगन की वैन, ऑब्वियसली फोर व्हील ड्राइव है, बस तो अटक जाएगी वेट की वजह से। अब इसमें घुस के हम लोग जाने वाले हैं। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल वैन। पहुंच गए, बहुत ठंड हो रही है और ये पूरी आइस है, बहुत ज्यादा ही स्लिपरी है। गाड़ियां बहुत हैं इनके पास, बहुत सारी कार, लाइक क्रेजी अमाउंट ऑफ कार्स आर देयर। आज तो वाट लगने वाली, लेकिन बहुत मजा भी आएगा। गाड़ियां तो बहुत हैं, अभी उनको साफ कर रहे हैं, स्नो क्लियर कर रहे हैं, ये देखो। RS e-tron GT चला ली, थोड़ा सा वार्म अप हो गया, अभी RS5 में घुस रहे हैं। वार्म अप ही चल रहा है अभी, इसलिए मैंने कैमरा निकाला नहीं, पर किसी भी गाड़ी में सनरूफ नहीं है, इसका मतलब हेड माउंट ही करना पड़ेगा, देख रहे हो ना। एंड अभी हम आ गए हैं और भी स्नो में, क्यों यहाँ पर आए हैं पता है? ये देखो ट्रैक्स गाड़ी के, हम आए लंच के लिए, लंच ब्रेक हो गया, वहाँ पे खड़ी है A8L सिक्योरिटी। इस गांव में किसको सिक्योरिटी चाहिए, मुझे बताओ। दोनों कार्स में से मुझे ऑब्वियसली ये पसंद है, इंटरनल कंबशन इंजन क्या साउंड करती है, और ये नहीं करूंगी हल्ला। ये देखो वेंट्स में क्या फंसा हुआ है, उल्टा करके देखो ना, देख क्या रहो मेरी शक्ल। यहाँ पे खड़ी है A8S लाइन, मस्त लग रही है, स्पेशली विंटर टायर्स पर तो कुछ नहीं होता, बिकॉज ये सिक्योरिटी है ना, A8 सिक्योरिटी मतलब फुली आर्मर्ड गाड़ी है, आर्मर की वजह से इसकी वेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है और प्राइस ट्रिपल हो जाती है, हाँ ट्रिपल नहीं चार गुना हो जाती है, तो फुल आर्मर्ड कार है ये A8 सिक्योरिटी। इनफैक्ट टायर्स भी पंचर रेजिस्टेंट और ये सब होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी। इनफैक्ट मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ था पहले से, बहुत पहले से, कि मुझे A8 सिक्योरिटी पे कोई वीडियो बनाना है, मिल तो की गाड़ी बंद है, लेकिन ढूंढेंगे कोई खुली वाली गाड़ी बनाएंगे अच्छा सा रील। Finally sun is out, which is a good thing actually. Okay, चलो drifting देखते हैं यहाँ पे, अभी drift का time आ गया, देखते हैं कैसे drift होती गाड़ी। 3, 2, 1, go!
टू मच पावर, टू मच पावर। Too much power. कौन उठाने के लिए ना दरवाजा खोल के गाड़ी चला रहे हैं भाई साहब, देखो अलग ही से आ गए। ओह दैट्स द फास्टेस्ट वे टू डू इट एक्चुअली, डन, नाइस। साथ में ड्रिफ्टिंग भी चल रही है, दरवाजा भी खुला है। तो बेसिकली गाड़ी कैसे चार्ज करोगे आप इसके बीच में, क्योंकि रेंज तो एकदम चली गई है। यहाँ पे देखा वो पोर्टेबल चार्जर 250 किलोवाट चार्जिंग पावर, 10 चार्जिंग पोर्ट्स हैं, तो ईट्रॉन यहीं पे खड़ी होएंगी रात भर, कल के लिए चार्ज होकर रेडी हो जाएंगी। नाइस आइडिया ना, एकदम पोर्टेबल, एकदम मतलब सोचो स्नो के बीच में ये चार्जर पड़ा हुआ है, अमेजिंग। सबसे अनोखी चीज देखो, ये गाड़ी पूरी इसके अंदर स्नो के अंदर धूल मतलब दब गई है, 8 लग रही है मुझे, और यहाँ पे यहाँ से पावर लाइन आ रही है इसको पावर करने के लिए। गुड बाय ईट्रॉन, लेट्स गेट इनटू द RS5 ऑफ कोर्स। कुछ भी पार्ट्स वार्ट्स वगैरह है, तो ये लोग ने पूरा अड्डा बैठा के रखा है। ये देखो भाई, हम कुछ बात करे थे, आप तो निकल गए ऐसे ही। तो ये बेसिकली स्नो निकालता है, इसकी वजह से इस पे चेन लगी हुई है, टायर्स पे चेन लगी हुई है। मस्त है ट्रैक्टर, यहाँ पे ना ट्रैक्टर ट्रैक्टर बस वस सब अलग ही लेवल के होते हैं, और यहाँ पीछे से भी निकाल सकते हैं, आगे से भी निकाल सकते हैं, दो दो काम करता है, दुगना काम। चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे, देखो होटल में कितने सारे चार्जेस लगे हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे टेस्ला का लगा हुआ है सुपर चार्जर, वो 145 दिख रहा है, नहीं दिखा वो देख लो, टेस्ला का लगा हुआ है। दिस इज एन ऑक्टोपस, सुबह जल्दी होगी आज, इंडिया टाइम उठाओ ना, तो अभी लगभग 7:30 बजे हैं। ब्रेकफास्ट करेंगे पहले, चेकआउट करेंगे और फिर वापस आज ड्राइविंग। ये अच्छा है यहाँ पे लिख के रखा है इन लोगों ने, यहाँ पे आउटी वालों का ब्रेकफास्ट है। ये एक्चुअली टेनिस या बैडमिंटन कोर्ट है, और बहुत ज्यादा स्नो है आज, टेम्परेचर भी अराउंड -4, तो कल से 4 डिग्री हॉटर होगा, वो अच्छी बात है। चलो अभी निकलने का टाइम आ गया, चेकआउट कर रहे हैं हम। हालांकि आज थोड़ा गर्म है, फिर भी बहुत ही ज्यादा ठंडा है। चलो धूप निकल गई एक अच्छी बात है, बट धूप से एक और प्रॉब्लम होती है, पता है ये जो आइस है ना ये मेल्ट हो जाती है, तो पानी का लहर आता है तो और आप स्लिप होने शुरू हो जाते हो। ऑब्वियसली मैंने स्नो शूज पहने हुए हैं, ये देखो थोड़ी ट्रैक्शन के लिए, बट कॉटरो नहीं ना मेरे पास, वो प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। तो आज एक और ग्रुप है जो 8 पे मतलब ट्रेनिंग लेगा, 8 खड़ी वहाँ पे, और उनकी जो कार है वो है जो सिखाने वाला है, 8 एंड सिक्योरिटी। ये देखो ईट्रॉन, इसके मिरर्स किधर है, साइड आउटसाइड ये भी मिरर्स गायब, क्योंकि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पे 8 का टेस्ट चल रहा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे भी ट्रेनिंग चल रही है, ये लोग 8 चला रहे हैं एस लाइन पैकेज के साथ। तो बेसिकली एक्सेलरेट करो, फिर वहाँ पे ब्रेकिंग मार के टर्न करो, जो हमने कल किया था, पर हमने किया था RS5 के साथ, ये लोग कर रहे हैं 8 के साथ। हाँ ट्रैक्शन, अभी ब्रेक अप्लाई होने वाला है, हाँ कौन पहुँचते ही, वो देखो ब्लिंक हो रहा है ब्रेक, नाइस। बेसिकली कल रात को इन लोग ने और आइस यहाँ पे जमाई, पानी डाल के ताकि फ्रीज हो जाए, ताकि ये और महीने ये कर पाए एक्टिविटी। ये हमारी ट्रेनिंग गाड़ी मतलब ट्रेनर की गाड़ी, बता दिया क्या एग्जैक्टली करना है, तो अभी चलते हैं हम। तो बेसिकली लंच यहाँ पे होगा, और जो हमें सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे साइन हो रहे हैं फिलहाल। लंच डन, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अब गाड़ी का नंबर मैं रिमेंबर नहीं कर रहा था, इन लोग चाबी लेके चल गए ऑडी वाली, मुझे सब चाबी दे दी, इन लोग ने बोले कि संभाल के भाई घुमा मत देना प्लीज़।
एंड इट इज अ रैप ऑफ ड्राइविंग ऑडीज। ये तो जम गई गाड़ी पूरी तरीके से। ये है आर एस ईट्रॉन। यस जी जी चिंटू मिंटू रूम है, बहुत ही चिंटू मिंटू एक्चुअली। ये गाड़ी तो इंडिया में चला ही नहीं सकती क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इसकी है जीरो। बेस्ट चीज़ है ना, यहाँ पे मुफ्त में हम लोग घूम रहे हैं क्योंकि हम बस वाले के बाद आके पूछते हैं कितना बोलता है कि आ जाओ भाई अंदर।